Josie Mutt has been sinking for the last 50 years, but that subsidence was very slow. Josie Mutt is located at a particular location which is supposed to be extremely fragile. The Greater Himalayan region is supposed to be very, very sensitive. It is very active tectonically. रात 2 बजे 3 तारीख की सुबह 2 बजे कटक कटक चटक चटक की आवाज आई धरती के नीचे से। जैसे जैसे नदी बह रही होगी और ऐसे पानी की आवाजें, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने देखा कि मेरा जो टॉयलेट है घर का, उसके टाइल गिरने शुरू हो गए और किचन पे पूरे दरारें आ गई है। इतनी मोटी दरारें ऐसे अब बोला भी नहीं जाता है, रोना ही आता उनको देख के। अभी मैं मौजूद हूँ सिंहधार का जोशी मठ वाले एरिया में, जहाँ पे कल 2 भवन ढह गए थे। आप देखिए जो इनका जो आंगन है, पूरा का पूरा धस चुका है। फिर मैंने अपने पड़ोसियों को सबको फोन किया कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप लोग निकल जाओ वहाँ से। तो हम 5-6 परिवार रात भर हम लोग रोड पे बैठे रहे। दूसरे दिन जब सुबह 6-7 बजी तो हम लोग जब अंदर गए तो हमने देखा हमारे बरामदे खोखले हो रखे हैं, दरवाजे खिड़की टूट गए हैं, अंदर जाने का रास्ता नहीं था। घर से बेघर ही हो गए समझ लो, पूरा सामान सब आ गया सड़क पे। पूरा ऊपर तक जो घर दिख रहा है ऐसी स्थिति में हैं हम लोग अभी भी। फिर सबसे पहले हम ही घर से बाहर हुए। ये देखो इतना टूट रखा है, पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो गई। अब कहाँ रहना, कहाँ खाना, कहाँ बनाना, कहाँ क्या करना। मकान भी नहीं है मेरे पास, रहने के कुछ नहीं है। अब कहाँ जाएंगे हम, किसके यहाँ जाएंगे हम। रो रो के हमारे आंखों में आंसू नहीं है, कितने रोएंगे हम। ये ट्रैकोमीटर सभी इन्होंने इंस्टॉल किए हैं डिफरेंट ट्रैक्स पे, बट यहाँ तो ये तो माइनर वाला क्रैक है टू सी द प्रोग्रेशन की और कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट ये देखिए पूरा का पूरा सारी दीवार निकल के आ चुकी है बाहर ना। पूरा जीवन तो हमने यहीं बिताया, बच्चे यहीं पाले। बुरा तो लगेगा ना। चौथे दिन मुझे जो है नायब तहसीलदार, इनका मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि आप वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, आप जो है कि आपके लिए नगर पालिका में हमने इंतजाम किया हुआ है, आप यहाँ आ जाइए। सिटी ऑफ जोशी मठ इज लोकेटेड ऑन ए स्लोप हुज बेसमेंट इज रबल। It is a unsorted rubble created by very big landslide, maybe 5,000 to 6,000 years ago. So therefore, most of people thought that this slope has become stable and they should start constructing. 2 तारीख जनवरी को हमारी बात की पुष्टि हो गई, जिस दिन जो है जोशी मठ के मारवाड़ी मोहल्ले में बड़ी मात्रा में पानी का रिसाव शुरू हो गया। उसी दिन 2 तारीख को कम से कम 150 घरों में एक साथ दरार आ गई, वहाँ जमीन 1.5 फीट से ज़्यादा नीचे धस गई। तो 2 तारीख रात की जो घटना है, जिससे बिल्कुल ये स्पष्ट हुआ कि टनल से निकला हुआ पानी ही जो है जोशी मठ की तबाही का कारण है। Himalaya is still growing and is also very, very unstable. So if you construct something, it is something like sher ke samne bachre aur dal do to khayega hi khayega. So this is what they have done. They have put the things, everything in place of nature. Nature reacted.
जो तात्कालिक राहत हो सकती थी सरकार के स्तर से, उनके आवास की, उनके खाने की, रहने की, उनको दवाई की। बाकी जो मुख्य चुनौती है वो उनके अस्थाई पुनर्वास और विस्थापन की। We still continue to be reacting after the event. You know, we are not really seeing the early warning signals. India's response to disaster has improved manifold. We are much better in dealing with post-disaster response. Having said that, we are very poor in predicting pre-disaster stage. So Joshimath, for example, they were warning for 50 years. We need to make sure that these fragile ecosystems need to be protected, and Joshimath should be seen as a warning call, an early warning call for making sure that sustainable development options and development pathways should be found without compromising on people's lives and livelihoods. आपदा प्रबंधन की भूमिका बिल्कुल है, लेकिन वो जो है भूमिका तय होती है उसी से कि आपकी सेंसिटिविटी किस हद तक जाती है, आप कितने मानवीय हैं, क्योंकि मानवीय त्रासदी है। इसमें जो है अफसरशाही से काम नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल जो इंसानी जरूरत है, मानवीयता है, उससे करुणा से इसको हल कर सकते हैं।